हेलो एंड वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट्स। सो क्लास, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को रिसेंटली एनफोर्स करा गया है। ये जो प्लास्टिक बैन के बारे में बात हुई थी, ये 2021 में ही अगस्त में नोटिफिकेशन आ गई थी गवर्नमेंट की। बट इसको बोला गया था क्योंकि एक लीवे पीरियड दिया जाता है जिससे कि जो भी प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ ले, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं आज आकर रात को कोई एक ऑर्डर पास कर दूं कि भाई कल से जो है वो सारे प्लास्टिक बंद हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे रातों रात। इसलिए गवर्नमेंट ने 2021 की अगस्त में ही ये नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर जारी कर दी थी कि जुलाई 1, 2022 से जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम यहाँ पर बैन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्लास्टिक की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। प्लास्टिक इज़ नथिंग बट अ पॉलीमर जॉइंट कंपाउंड वगैरह, ये साइंस की चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर समझना है कि यूपीएससी हमसे सवाल जो है वो क्या पूछ सकता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से 1986 से वो सवाल पूछ सकता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से वो सवाल पूछ सकता है, और प्लास्टिक रूल्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 से वो सवाल पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि क्या जो पानी की बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है, क्या वो बैन है? आंसर इज़ नो। बल्कि बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन उसी से ही होता है, लेकिन उनको एग्जेम्प्ट करा गया है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं 2021 में, उन्होंने ही यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बैन करा है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इन्होंने प्रोहिबिट करी हैं? मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, मतलब हम बाहर से भी नहीं खरीद सकते हैं, स्टॉक भी नहीं कर सकते, बांट भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, और उनको यूज़ भी नहीं कर सकते जिनकी थिकनेस जो है वो 120 माइक्रोन से कम है। अब आपको यहाँ पर ये समझ आना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर माइक्रोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट चाहता है कि 50 माइक्रोन से लेस ही यहाँ पर आपका प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे। देन सेंटर ने और क्या बोला है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बात करी गई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब ये होता है, जैसे एक प्रोडक्ट, ये चार्जर है, ये चार्जर मैं अपने पास खरीद के लाता हूँ और इसके ऊपर जो प्लास्टिक होता है उसको मैं उतार कर फेंक देता हूँ। ये सिंगल यूज़ क्या था कि वो बस उसको कवर कर रहा था जब तक वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास नहीं पहुँच जाता। अब मैं उस प्लास्टिक को फेंक दूँगा तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको गवर्नमेंट बैन कर रही है। तो अब इसको वो किसी और वायबल अल्टरनेटिव से कवर करेंगे, चाहे वो पेपर बैग हो, पर वो प्लास्टिक नहीं होगा, राइट? अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बैन करने की बात करी है, 21 आइटम्स जो हैं उसमें हैं, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून, प्लास्टिक फ्लैग्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा देखने में, बट अगर यूपीएससी में अगर आप पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो शायद ये पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन बैंड अंडर प्लास्टिक रूल्स मैनेज प्लास्टिक ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो अगर ये पूछेंगे आपसे तो यूपीएससी आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने बैन करे हैं लेस देन 100 माइक्रोन्स में, राइट? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा माइक्रोन बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्लास्टिक की थिकनेस बढ़ेगी। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक माइक्रो प्लास्टिक भी होता है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब माइक्रो प्लास्टिक में क्या होता है कि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमें जल्दी से जो है वो नोटिस में नहीं आते। तो जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स क्या करते हैं, खाना खाने के साथ में से गाय हो गई, भैंस हो गई, ये क्या करते हैं कि जैसे किसी ने रोटी डाली पॉलीथिन में, अब साथ ही में वो पॉलीथिन भी खा लेते हैं। अब क्या होगा कि जो फूड पाइप है आपका वो पॉलीथिन से ब्लॉक हो जाएगा और जो गाय है उसकी डेथ हो जाएगी, या कोई भी एनिमल है, बोवाइन एनिमल है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो प्लास्टिक बैन करने की बात करी गई है। और जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, राइट? वो भी आपकी बॉडी में कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं आई है कि माइक्रो प्लास्टिक कैसे जो है वो ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। वेरस प्लास्टिक अगर आप इंजेस्ट करोगे, खाना खाने के साथ प्लास्टिक डाल लोगे, तो उससे फूड पाइप ब्लॉक हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी और आप चोक कर जाओगे डेथ।
डेथ हो जाएगी, राइट। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ बोवाइन या गाय भैंस के लिए भी है। अब साथ ही में प्लास्टिक को और क्यों बैन करा गया है, प्लास्टिक का यूज़ कम होता है और प्लास्टिक से लिटरिंग ज़्यादा होती है। लिटरिंग का मतलब है कि कूड़ा कबाड़ा जो है वो प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा फैलता है। आपको यहाँ पर समझना है कि प्लास्टिक्स हैव वेरी लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल। लिटरिंग का मतलब है कि कूड़ा फैलाने वाली पोटेंशियल उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट सबसे बड़ा है। जैसे आज की तारीख में आज कुछ भी सामान खरीदते हो, चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको नज़र आएगा उसकी पैकेजिंग प्लास्टिक में होगी, राइट। सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट उसको बैन करने की बात कर रही है। देन सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ ना। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाएगा, देखो बहुत सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जैसे कैलकटा, सॉरी वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये पहले ही प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं। 2018 में मैं कोलकाता के एयरपोर्ट पे गया था, तो मैंने मैकडोनल्ड्स पे कोल्ड ड्रिंक ली थी। तो मैंने उस कोल्ड ड्रिंक पर जब मैंने ली थी तो मैंने बोला कि मुझे स्ट्रॉ चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर हम आपको स्ट्रॉ नहीं दे सकते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है। तो 2017-18 में भी मुझे कोलकाता एयरपोर्ट पे जो है वो प्लास्टिक स्ट्रॉ देने से मना कर दिया गया था। वेर एज अब ये प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है वो पेपर स्ट्रॉ में कन्वर्ट हो चुका है, ये वायबल ऑल्टरनेटिव है, राइट। जैसे यूपीएससी नहीं है तो फिर स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर अगर प्लास्टिक नहीं होगा तो फिर वो पेपर में लेके आएंगे, प्लास्टिक पॉलिथीन की जगह पेपर बैग को लेकर आया जाएगा। अब यहाँ पर 32 स्टेट्स में बोला गया है कि हमने एक टास्क फोर्स बनाई है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ को चेक करेगी, और अगर कुछ लोग अभी भी चेक करते हुए नज़र आए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करा जा रहा है तो उसके ऊपर चालान करा जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि 1,00,000 रुपये तक का चालान है और 5 साल तक की जेल है अगर आप यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट करते हो तो, राइट। इनको ये बोला गया है कि 30 जून तक, जो पिछले 7 दिन पहले की बात है, कि ज़ीरो इन्वेंट्री चाहिए, राइट। ज़ीरो इन्वेंट्री मतलब हमारे पास आप प्लास्टिक बैग को भी स्टोर नहीं कर सकते। अगर वायलेशन वापस से रिपीट होता है तो 5,000 रुपीज़ पर डे आपको देना होगा। यहाँ पर इंडिया में हिस्ट्री क्या है हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हिस्ट्री में आपको नज़र आएगा कि बहुत बार हमने इस बारे में बात करी है। पहले भी आप देखोगे कि 2021 में प्लास्टिक पे मैन्युफैक्चरिंग पे स्टॉकिंग पे बैन है, बट अगर वो 75 माइक्रोन से लेस हैं तो, राइट, अपोज टू 50 माइक्रोन्स अंडर दी अर्लियर वर्जन। तो आपको ये समझना है कि माइक्रोन्स चेंज हो रहे हैं बार बार, राइट। सो देयर इज़ अ बैन ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल एंड यूज ऑफ कैरी बैग्स मेड ऑफ वर्जिन और रिसाइकल्ड विच आर लेस देन 75 माइक्रोन्स। अब 75 माइक्रोन से जितने भी कम होंगे वो बैन हो जाएंगे, राइट। अब इज़ देयर अ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द बैन, मतलब क्या कोई इस बैन को सपोर्ट कर रहा है। एक ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स का एक तरीके से माउथपीस है। अब वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से 88,000 प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगी, 25,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट करती हैं, और अराउंड 10,00,000 लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना स्टांस नहीं चेंज करा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने आपको 2018 से इस बारे में बोलते आ रहे हैं कि हम प्लास्टिक बैन को करेंगे। देखो आज की तारीख में गवर्नमेंट बहुत टाइम से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रही है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा या मारुति आकर 5-7 साल बाद ये बोले कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उससे काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे क्योंकि हम अपना डीजल इंजन यूनिट बंद कर रहे हैं, तो इसमें गलती गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि उस कंपनी की है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच नहीं कर रहा है, राइट। तो भूपेंद्र यादव ने बोला कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से बहुत बार कंसल्टेशन करी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की गलती नहीं है बल्कि गवर्नमेंट बहुत टाइम से जो है वो यहाँ पर बोल रही है। तो इंडस्ट्री को जो है वो शायद 1 साल लगेगा प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढने में, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हमें ये कदम उठाना ज़रूरी था। अब आप बोलोगे एनवायरनमेंट के लिए कैसे, देखो जो ये एनवायरनमेंट में हमें नज़र आता है कि जो ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती हैं वो होती हैं प्लास्टिक की वजह से, और इस वजह से हमें सिटीज़ में फ्लडिंग भी नज़र आती है, और उस फ्लडिंग से हमें नज़र आता है यहाँ पर ब्रीडिंग ऑफ
मस्कीटोज। दूसरी चीज़, जब प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा नहीं सकता या उसके ऊपर फीड नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये माइक्रो प्लास्टिक या जो प्लास्टिक हैं ये हमारे लैंड के अंदर ही जो हैं वो सीप इन कर जाते हैं, एंड देन लेटर ऑन दे रिलीज टॉक्सिक मटीरियल्स, और ये पानी में ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, और वही ग्राउंड वाटर जो है वो हम आगे जाकर ड्रिंक करते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि एनवायरनमेंट पर भी इसका उतना ही बड़ा इम्पैक्ट है जितना इसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ रहा है। एक तरफ से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वेयर एज हम एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में मैंने बता दिया, तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि रिसाइकलिंग यूनिट्स भी जो हैं वो इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रही हैं। तो वाइल 99% ऑफ द प्लास्टिक इज़ रिसाइकल्ड, बट दे कॉन्स्टिट्यूट हैवियर प्लास्टिक्स दैट आर लाइकली टू बी कलेक्टेड बाय रैग पिकर्स एंड प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलर्स। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर आपको इंसेंटिव भी नहीं मिलता कलेक्ट करने का, क्योंकि देखो क्या है, जैसे सपोज इसके ऊपर जो पॉलीथीन आती है इसको मैंने उठा के फेंक दिया, अब इसको उठाने के लिए जो रैग पिकर है ना उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो इसको उठाएगा ही नहीं, तो ये लीच हो जाएगा टॉक्सिन्स में, लीच कर जाएगा अपने टॉक्सिन। लीच करने का मतलब होता है अपने टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ कर देगा सॉइल के अंदर, जो कि लैंड और सी के लिए दोनों बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। UPSC ऐसे सवाल ज़रूर पूछती रहती है, एक बार मैं एक वीडियो और ऐसी बना दूंगा जहां पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में, राइट? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, थैंक यू।